हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक जो है फ़िलहाल हमको 2% के ऊपर की गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक 148.30 पैसे पर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले वीडियो में हमने 154 और 154 के ब्रेकआउट के बाद 160 तक के टारगेट को डिस्कस किया था। स्टॉक ने 156 के लेवल से रिजेक्शन लिया, गिरावट आई, अगेन जंप आया, अपने हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, अगेन गिरावट और स्टॉक का ये जो लो है ब्रेकडाउन करता नज़र आया। और इस गिरावट के साथ जो इसका सपोर्ट लेवल था इमीडिएट 150 का लेवल, उसको भी स्टॉक नीचे की ओर ब्रेकडाउन करता हुआ हमको नज़र आ रहा है। बड़ा सेलिंग हमको टाटा पावर स्टील में देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ से अब टाटा स्टील हमको और गिरावट दिखा सकता है। अब जो इसका इमीडिएट सपोर्ट बनने वाला है, हम देख सकते हैं इससे पहले स्टॉक जहां रिजेक्शन फेस किया था, दो दफ़ा रिजेक्शन फेस किया था और गिरावट दिखाई थी, 144-145 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा और इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो तगड़ा और आखिरी सपोर्ट 140 का लेवल, ये तगड़ा और आखिरी सपोर्ट रहेगा। अगर इसको ब्रेक डाउन कर गया तो टाटा स्टील यहाँ से हमको फिर और गिरावट दिखा सकता है, लेकिन लगता नहीं है कि टाटा स्टील 140 के लेवल को ब्रेक डाउन कर पाएगा। इसका तगड़ा इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक होता है तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बनेगा 150 का लेवल, इसको ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस फेस करने वाला है 154 का लेवल। यहाँ तक कि हमको रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन बड़ी तेज़ी के लिए अब 150 के लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो बड़ी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।